हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के वर्ब सेशन में, जहां पे हम सिंगल एक वर्ब लेके डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। आज भी बनाएंगे। आज लिया हमने मोटिवेट, हौसला बढ़ाना, हौसला देना, प्रोत्साहित करना। तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक छोटी सी जानकारी सुन लीजिए। अगर आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए नमस्ते इंग्लिश ऐप, और उसके बाद आपको ज्वाइन करना है हमारा अनलिमिटेड अकाउंट, क्योंकि यहीं पे आपको सुविधा मिलेगी ऐसे ऐसे फीचर्स की जहाँ पे आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख सकते हो। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा अनलिमिटेड अकाउंट। नाउ कमिंग बैक टू द पार्ट, मोटिवेट, प्रोत्साहित करना, हौसला देना। जब मान लीजिए आपको लगता है कि डर लगता है, नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा क्या होगा, तब आपके पेरेंट्स टीचर्स क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, जैसे कि नमस्ते इंग्लिश भी आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, तो नमस्ते इंग्लिश, चलिए ऐसे लिख देता हूं मैं, हमें मोटिवेट करता है। पहला सेंटेंस इसी से बना लेते हैं, मोटिवेट करता है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, नमस्ते इंग्लिश किसके लिए वैसे करता है, आपको इंग्लिश सीखने के लिए, है ना। तो नमस्ते इंग्लिश मोटिवेट्स किसे, हमें, तो अस। तो नमस्ते इंग्लिश मोटिवेट्स अस, तो पहला सेंटेंस क्लियर हुआ। इस टाइप से आप अपने दोस्त का नाम भी जोड़ सकते हो कि माय फ्रेंड मोटिवेट्स अस। ठीक है, चलिए, तो पहला सेंटेंस क्लियर है कि नमस्ते इंग्लिश मोटिवेट्स अस। अब इसको जो है सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, फटाफट देखिए, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, आप भी बना सकते हो। ठीक है, हमारे टीचर्स हमें हौसला देते हैं, हौसला देना, बढ़ाना। ठीक है, तो आर टीचर्स क्या करते हैं, हौसला देते हैं, बढ़ाते हैं, मोटिवेटर्स। ठीक है, बहुत इजी सेंटेंस है, प्लूरल है तो मोटिवेट, ये वाला सिंगुलर था तो मोटिवेट्स, जो पीछे वाला था आपका, क्योंकि नमस्ते इंग्लिश जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज होता हो। ठीक है, सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट था नमस्ते इंग्लिश वो सिंगुलर था। तो हमारे टीचर्स हमें हौसला देते हैं, तो आर टीचर्स मोटिवेट अस, या बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाना भी हो सकता है। ठीक है, सेम ही थिंग है, वो सेम ही चीज है। चलिए थर्ड सेंटेंस देख लीजिए फटाफट एक बार। ठीक है, रोहन ने एक बार मुझे मोटिवेट या हौसला बढ़ाया था, मोटिवेट किया था, ऐसे कह लो आप, वैसे किया था। ठीक है, तो रोहन हैड मोटिवेटेड मी वंस, एक बार। ठीक है, तो रोहन हैड मोटिवेटेड मी वंस, एक बार। इस टाइप से जो है बना सकते हो कि रोहन हैड मोटिवेटेड मी वंस, एक बार जो है रोहन ने जो है मेरी, मुझे जो है मोटिवेट किया था, मेरा हौसला बढ़ाया था। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी आपने देखा, यहाँ पे मोटिवेटेड का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे ये वाला हो गया पार्ट कंप्लीट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ जाएं। रोहन हैड मोटिवेटेड मी वंस, माय पेरेंट्स हैड मोटिवेटेड मी मेनी ए टाइम्स, जैसे मान लीजिए एक बार नहीं, कई बार मुझे रोहन ने कई बार मुझे मोटिवेट किया था, तो रोहन हैड मोटिवेटेड मी मेनी अ टाइम्स, मेनी अ टाइम्स आप लिख देते हैं, फिनिश, खत्म, इस टाइप से हो जाता। ठीक है, थर्ड सेंटेंस हमारा हो गया, आगे बढ़िए, फोर्थ देखिए, लास्ट है ये अपना, क्योंकि चारों फॉर्म जो है मैं आपको धीरे धीरे बता रहा था, फोर्थ यानी कि लास्ट। ठीक है, श्याम अभी या श्याम लोगों को मोटिवेट कर रहा था, क्या बोलोगे, श्याम वॉज, क्योंकि कर रहा था नहीं, मोटिवेटिंग कि नहीं कर रहा था, पीपल, श्याम वॉज मोटिवेटिंग पीपल, जानकार लोग तो द पीपल, श्याम वॉज मोटिवेटिंग द पीपल। ठीक है, दही लगा दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, श्याम वॉज मोटिवेटिंग द पीपल। ठीक है, श्याम वॉज मोटिवेटिंग द पीपल, लोगों को क्या कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, तो ये देखिए मोटिवेटिंग हो गया आपका। तो इस टाइप से जो सेंटेंसेस बनाने थे दोस्तों आपको मोटिवेट से रिलेटेड, अब आपके लिए जो है द्वार खुला हुआ है, कॉमेंट सेक्शन जाइए, कॉमेंट सेक्शन में, और वहां पे जो है
आप अपने हिसाब से कौन कौन से सेंटेंसेस बनाते वो लिख डालिए वहाँ पे, मोटिवेट से रिलेटेड ही बनाने हैं, डेफिनेटली हम सभी पढ़ना चाहेंगे। बाकी वीडियो कैसे लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ये, और साथ ही साथ वीडियो को जो है आप अपने फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट तो करिएगा, साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड में एक बार फिर जो है मैं बोलूँगा अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।